नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आइडिया में। कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से एक बार DRDO सेप्टन 11 की वैकेंसी के लिए, जो हमने 2000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया हुआ था उसी का आज 22वां क्लास है। आज 23 नंबर क्लास है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल में सेप्टन 11 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निवारक अनुरक्षण का पहला चरण है? ऑप्शन ए इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी स्मॉल रिपेयर, ऑप्शन सी मीडियम रिपेयर, या फिर ऑप्शन डी कंप्लीट ओवरहॉल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इंस्पेक्शन। क्या होगा ए, इसमें आपका राइट आंसर होगा इंस्पेक्शन। चलिए 1002 नंबर क्वेश्चन है, जीवित केंद्र की तुलना में मृत केंद्र भालू या प्रतिरोध करता है? ऑप्शन ए नो फ्रिक्शन, ऑप्शन बी इक्वल फ्रिक्शन, ऑप्शन सी लेस फ्रिक्शन, या फिर ऑप्शन डी मोर फ्रिक्शन। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोर फ्रिक्शन। क्या होगा, इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, मोर फ्रिक्शन। चलिए 1103 हम आपको 1, 2, 3 बताएंगे, आप वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, कुछ चक का आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक जबड़े का आकार, ऑप्शन बी प्रत्येक जबड़े की मोटाई, ऑप्शन सी चक के शरीर का व्यास, या फिर ऑप्शन डी चक के शरीर की चौड़ाई। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, चक के शरीर का व्यास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस तुलनित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल, ऑप्शन बी पेनोमेटिक, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक, या फिर ऑप्शन डी मैकेनिकल। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, पेनोमेटिक। बी राइट आंसर है, पेनोमेटिक। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये होल्डिंग डिवाइस है सिवाय? ऑप्शन ए बेंच वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, या फिर ऑप्शन डी डिवाइडर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, डिवाइडर। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मापने का उपकरण नहीं है? ऑप्शन है ए ऑड लेग कैलिपर, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्टील रूल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑड लेग कैलिपर। चलिए 107 नंबर, मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी की सनकीपन की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन स्टील रूल, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय मापन के लिए साइन बार के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन बी डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन सी स्क्रू गेज, या फिर ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए टू चेक पैरेललिज्म ऑफ फिनिश कंपोनेंट, ऑप्शन बी है टू कंपेयर डायमेंशंस ऑफ फिनिश कंपोनेंट, या फिर ऑप्शन सी है टू मेजर द डायमेंशंस ऑफ फिनिश कंपोनेंट, या फिर ऑप्शन डी टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ राउंड शेप कंपोनेंट, मतलब कि टेपर की जांच के लिए। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टू मेजर अ डायमीटर ऑफ फिनिश कंपोनेंट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बेलनाकार सतह पर धागे बनाने के लिए किस प्रकार के खांचे काटे जाते हैं? ऑप्शन ए हाफ राउंड ग्रूव, ऑप्शन बी वी ग्रूव, ऑप्शन सी हेलिकल ग्रूव, या फिर ऑप्शन डी स्क्वायर ग्रूव। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, हेलिकल ग्रूव। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ही इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन द सेम, या फिर ऑप्शन डी इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज।
इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक विद्युत चाप को कम वोल्टेज के साथ नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन ए 14 वोल्ट, ऑप्शन बी 24 वोल्ट, ऑप्शन सी 34 वोल्ट या फिर ऑप्शन डी 44 वोल्ट। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 14 वोल्ट। क्या होगा इसमें, ए आपका राइट आंसर होगा, 14 वोल्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में किस सहायक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन ए प्रेशर गेज, ऑप्शन बी होसेस, ऑप्शन सी अर्थ क्लैंप या फिर ऑप्शन डी वेल्डिंग टॉर्च। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अर्थ क्लैंप। 14 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए यह दहन का समर्थन है, ऑप्शन बी यह ज्वलनशील गैस है, ऑप्शन सी यह हवा से हल्की है या फिर ऑप्शन डी यह रंगहीन होता है। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यह दहन का समर्थन है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़ में उच्च संक्षारण प्रतिरोध है। ऑप्शन ए वेल्डेड ज्वाइंट, ऑप्शन बी रिवेटेड ज्वाइंट, ऑप्शन सी बोल्टेड ज्वाइंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, वेल्डेड ज्वाइंट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए सॉलिड फॉर्म, ऑप्शन बी जीसस फॉर्म, ऑप्शन डी लिक्विड फॉर्म या फिर ऑप्शन सी लिक्विड फॉर्म या फिर ऑप्शन डी एनी वन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लिक्विड फॉर्म। क्या होगा इसमें आपका, लिक्विड फॉर्म। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, अलौह धातु पीतल और कांसे की गैस वेल्डिंग के लिए कौन सी ऑक्सी एसिटिलीन गैलॉ उपयुक्त है। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी नेचुरल फ्लेम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या होगा इसमें, ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के भीतरी शंकु का तापमान होता है। ऑप्शन ए हाईएस्ट, ऑप्शन बी कोल्डेस्ट, ऑप्शन सी मॉडरेट, ऑप्शन डी कैन नॉट से। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर का हाईएस्ट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में फ्लस्क का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए ज़्यादा गर्म करना, ऑप्शन बी पिघलने आधार धातु, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण को रोकना या फिर ऑप्शन डी रासायनिक प्रक्रिया के कारण। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑक्सीकरण को रोकना। 20 नंबर क्वेश्चन है, स्टील प्लेट को वेल्डिंग करते समय कौन सी ऑक्सीड एसिटिलीन फ्लेम उपयोग होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी नेचुरल फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, नेचुरल फ्लेम। 21 नंबर है, ऑक्सी एसिटिलीन काटने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कटिंग नोजल का आकार मुख्य रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन ए थिकनेस पर, ऑप्शन थिकनेस ऑफ मेटल और टू बी कट पे, ऑप्शन बी प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन पे या फिर ऑप्शन डी ड्यूरेशन ऑफ कट पे या फिर ऑप्शन डी टाइप ऑफ कटिंग ब्लो पाइप पर। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डेड जोड़ों और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी वेब चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल या फिर ऑप्शन डी हाफ राउंड चीजल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फ्लैट चीजल। क्या होगा इसमें, ए राइट आंसर होगा, फ्लैट चीजल। ईंधन गैसों वाले सिलेंडरों को सामान्यतः पेंट किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू या फिर ऑप्शन डी अंबर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेड। ठीक है, ईंधन गैस वाले सिलेंडरों को रेड से किया जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, गैस प्लेट में कट खांचे दिखाता है और इसमें गहरी ड्रैग लाइनें होती हैं, इसका कारण है। ऑप्शन ए टिप कट सतह के बहुत करीब है, ऑप्शन बी बहुत अधिक यात्रा की गति, ऑप्शन सी कम ऑक्सीजन दबाव या फिर ऑप्शन डी छोटे आकार काटने नोक। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर का, टिप कट सतह के बहुत करीब है। ठीक है, टिप कट सतह के बहुत करीब है, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है,
आर्क वेल्डिंग के मामले में व्यक्ति को का उपयोग करके अपनी आंखों की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन बी मास्क, ऑप्शन सी सन गॉगल्स या फिर ऑप्शन डी क्लियर ग्लासेस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डार्क गोगल मतलब कि डार्क ग्लास स्क्रीन वाला, डार्क स्क्रीन वाला ग्लास। चलिए ये 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर एल एमएम में लौह के आंतरिक शंकु की लंबाई है, टिप टू मेटल की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है यल एमएम, ऑप्शन बी यल प्लस 4 एलएम, ऑप्शन सी है यल प्लस 2 एमएम या फिर ऑप्शन डी यल प्लस 6 एमएम। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, यल प्लस 2 एमएम, क्या होगा यल प्लस 2 एमएम। ठीक है चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, गैस कटिंग में यदि बहुत कम कटिंग ऑपरेशन की आपूर्ति की जाती है, द मेटल विल बी कूल्ड डाउन। ऑप्शन बी है द कर्फ विल बी नैरो, ऑप्शन सी है द कर्फ विल बी वाइड या फिर ऑप्शन डी है द मेटल विल फेल टू कट कम्प्लीटली। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, द मेटल फिल विल फेल टू कट कम्प्लीटली, मतलब कि असफल हो गया, मेटल असफल हो गया कम्प्लीटली, ठीक है फेल हो गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, सख्त और तन्य कोर और एक कठोर बाहरी सतह के साथ एक घटक के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी टेम्परिंग या फिर ऑप्शन डी एनीलिंग। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, केस हार्डनिंग, क्या होगा इसमें बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी महत्वपूर्ण तापमान से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर स्टील को गर्म करने और कमरे के तापमान में स्थिर हवा में ठंडा करने की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन सी एनीलिंग या फिर ऑप्शन डी टेम्परिंग। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्या होगा नॉर्मलाइजिंग। ठीक है चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, लाइट ड्यूटी असेंबली वर्क में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हेस्का हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ऑप्शन बी चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन सी हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू या फिर ऑप्शन डी स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चीजल जिसको कहते हैं हेड स्क्रू। ठीक है चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को ठीक करने के लिए अब घर्षक छड़ियों के साथ कौन सा परिष्करण किया कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए लैपिंग, ऑप्शन बी होनिंग, ऑप्शन सी ग्राइंडिंग या फिर ऑप्शन डी फाइलिंग। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, होनिंग, क्या होगा इसमें बी राइट आंसर होगा होनिंग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, काटने से पहले प्री हीटिंग करने के लिए सही लौ है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण लौ, ऑप्शन बी टेथस्ट लौ मतलब कि नेचुरल फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम या फिर ऑप्शन डी थोड़ा कार्बोराइजिंग फ्लेम, स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नेचुरल फ्लेम टेथस्ट लौ। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बाहरी वी थ्रेड की आयामी सटीकता की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सटीक उपकरणों में से एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू थ्रेड के महत्वपूर्ण तत्वों में से कौन सा एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। ऑप्शन ए मेजरमेंट, सी पिच, ऑप्शन डी पिच डायमीटर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का पिच डायमीटर, बी इसमें डी आपका राइट आंसर पिच डायमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन है, लैपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए यह धीमी गति प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह एक अपघर्षण प्रक्रिया है, ऑप्शन सी यह बंधुआ अपघर्षक का उपयोग करता है या फिर ऑप्शन डी लैपिंग द्वारा सख्त सहिष्णुता प्रदान की जा सकती है। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यह बंधुआ अपघर्षक का उपयोग करता है, क्या करता है बंधुआ अपघर्षक का उपयोग करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 127 दांत या 63 दांत विशेष गियर का उपयोग ब्रिटिश लीड स्क्रू वाले खरादे में मीट्रिक धागे काटने के लिए किया जाता है।
इसे यह भी कहा जाता है, ऑप्शन ए आइडलर गियर, ऑप्शन बी चेंज गियर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटिंग गियर या फिर ऑप्शन डी कंपाउंड गियर। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ट्रांसलेटिंग गियर। क्या होगा सी, इसमें आपका राइट आंसर होगा ट्रांसलेटिंग गियर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, कुल उत्पादक रख रखाव के संदर्भ में SSH का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए स्वस्थ और परिवार पर्यावरण की सुरक्षा, स्वस्थ और पर्यावरण, ऑप्शन सी उपकरण की सुरक्षित हैंडलिंग या फिर ऑप्शन डी उच्च दक्षता हासिल करना। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण में। ठीक है चलिए 37 नंबर, कुल उत्पादक रख रखाव के तहत इनमें से कौन सा SHI का लगभग नहीं है। ऑप्शन ए जीरो इंसिडेंस, ऑप्शन बी जीरो हेल्थ डैमेज, ऑप्शन सी जीरो फायर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का नन ऑफ एबव। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, खराद काटने के उपकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री को किसी भी वांछित आकार में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी स्टीलाइट या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन कार्बाइड। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर का हाई कार्बन स्टील। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु जोड़ने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ब्रेजिंग, ऑप्शन सी वेल्डिंग या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा इसमें डी राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, सैंड मोल्ड की आयु और गैसों को बाहर निकालने की क्षमता है। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी फॉलोबिलिटी, ऑप्शन सी कोलैप्सिबिलिटी, ऑप्शन सी परमेबिलिटी। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का परमेबिलिटी। क्या होगा इसमें आपका डी राइट आंसर का परमेबिलिटी। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल में केवल नीचे की तरफ धातु के साथ एक आयताकार आकार है। ऑप्शन ए मिल्सा फाइल, ऑप्शन बी किंकर फाइल, ऑप्शन सी रिफल फाइल या फिर ऑप्शन डी पैरेड फाइल। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर का टिंकर फाइल। क्या होगा टिंकर। ये बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, धातु के एक गोलाकार टुकड़े पर एक किनारे को मोड़ने की प्रक्रिया को। ऑप्शन ए बर्रिंग, ऑप्शन बी ब्रेसिंग, ऑप्शन सी एम्बॉक्सिंग या फिर ऑप्शन डी पंचिंग। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बर्निंग। क्या होगा इसमें आपका ए राइट आंसर होगा बर्निंग। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी जोड़ है। ऑप्शन बी है रिवेटेड जॉइंट, ऑप्शन सी है शोल्डर जॉइंट या फिर ऑप्शन डी है प्रेस फिट जॉइंट। इसी राइट आंसर होगा क्या होगा प्रेस फिट जॉइंट। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है, टुकड़े बिंदु आकार में धातु या कार्बन से बने इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग EDM, ऑप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM या फिर ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग या फिर ऑप्शन डी है वायर कट EDM। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग मतलब कि EDM। ठीक है ये होगा आपका। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, एक धातु चढ़ाना की एक विपरीत प्रक्रिया है। इट इज रिजर्व प्रोसेस ऑफ मेटल प्लेटिंग। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग EDM, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM या फिर ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक मैकेनिक या फिर ऑप्शन डी है वायर कट EDM। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। क्या होगा बी राइट आंसर होगा इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इसे मोड़ कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। क्विक रिलीजिंग पाइप वाइस के समान है। ऑप्शन ए पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइस,
ऑप्शन बी चेन पाइप वाइज, ऑप्शन सी पाइप वाइज, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज। क्या होगा इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, पोर्टेबल फोल्डिंग पाइप वाइज। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, सीमित स्थानों में ग्रिपिंग और टर्निंग पाइप और राउंड स्टॉक के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टील सन पाइप, ऑप्शन बी चेन रिंच पाइप, ऑप्शन सी स्ट्रैप रिंच, या फिर ऑप्शन डी फुटप्रिंट रिंच। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फुटप्रिंट रिंच। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, जीवन पाइप बाहरी रूप से प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए कोई धागा नहीं, ऑप्शन बी समांतर धागे, ऑप्शन सी पतला धागा, या फिर ऑप्शन डी न तो समांतर और न ही पतला धागा। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पतला धागा। उनचास नंबर क्वेश्चन है, जुड़नार की तुलना में जीग वजन के मामले में कैसे हैं। ऑप्शन ए जीग आर लाइटर देन फिक्स्चर, ऑप्शन बी जीग आर हैवियर देन फिक्स्चर, ऑप्शन सी जीग आर इक्वल इन वेट टू फिक्स्चर फॉर सम ऑपरेशन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जीग आर लाइटर देन फिक्स्चर। ठीक है, क्या होगा इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, देख लीजिए। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। ऑप्शन ए हेक्सागोनल हेड स्क्रू, ऑप्शन बी चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन सी हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, या फिर ऑप्शन डी स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्वायर स्क्रू। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से आपके साथ एक नई क्लास और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।